नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल, संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम रूफिंग टाइल का काम करते हैं, साथ में सीलिंग टाइल का भी काम करते हैं, लेकिन जब भी हम सीलिंग टाइल काटते हैं या फिर और कुछ वहाँ पे काम करते हुए होते हैं या फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, तो फिर उस वक्त सीलिंग टाइल थोड़ी सी गंदी हो जाती है या फिर हो सकता है कि उसके ऊपर पहले से कुछ डस्ट वगैरह लगी होती है, तो फिर वो कैसे क्लीन करना है उसके लिए कुछ मेथड्स है। तो फिर अभी हम साइट पे जा रहे हैं, तो जाके साइट पे देख लेते हैं कि उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। जैसे जैसे साइट कंप्लीट होती है, काफ़ी सारे धूल मिट्टी जो होती है वो सीलिंग टाइल के ऊपर जम जाती है कभी कभी, क्योंकि जो टाइल या फिर सीलिंग टाइल जो काटना होता है उसके आसपास में ही होता है, तो फिर उसको क्लीन करना भी काफ़ी बार ज़रूरत होती है। तो फिर जैसे अभी हम झाड़ू से देख रहे थे तो वैसे क्लीन कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास ब्लोअर रहता है तो फिर ब्लोअर से भी हम बिल्कुल कुछ इस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं उसको। उसके बाद अभी ये जो पूरा फैब्रिकेशन था वो पूरा ब्लैक कलर में था, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी धूल मिट्टी जम गई थी, तो फिर अभी हमने यहाँ से एक थोड़ा सा हल्का सा गीला कपड़ा करके उसको पूरा क्लीन करके ले लिया है, ताकि जो रूफ़ की जो ब्यूटी है वो बनी रहे, देख सकते हैं आप चारों तरफ से। एक बार उसको क्लीन करने के बाद में वहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत होती नहीं है, आराम से मतलब दिखने में वो बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत दिखना चालू होता है। ये देखिए बाहर की जो एंट्रेंस कैप थी, यहाँ पे हम क्लीनिंग कर रहे हैं अभी। ये एंट्रेंस जो पानी पट्टी है अंदर की तरफ से, ये देखिए, तो इसे क्लीन कर सकते हैं हम बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये वीडियो था हमारा सीलिंग टाइल क्लीनिंग के बारे में। आपको कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को लाइक शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद फ्रेंड्स।